ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 194 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ उक्त अधिकारी नशीला पदार्थ दे रहा जिस तो बाद उसनु रंगे हथी काबू किया गया असी होर जेलां विच भी कवरेज अधीन चल रहे हैं साडा टीचा जेलां नु मोबाइल अते नशा मुक्त बनाउणा जेलां तो मोबाइल लगातार मिल रहे हैं जेल विच हुण मोबाइल दी वरतों नहीं की जा सकेगी जेकर कोई अधिकारी जेल विच मोबाइल जां नशा लैके आउंदा उस खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी दस दिए कि अमृतसर पुलिस ने मैडिकल अफसर नु एसटीएफ दे हवाले करके एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिता तरन तारण के 1993 झूठे पुलिस मुकाबले हरबंस सिंह एक अणपछाते व्यक्ति का कतल करने के मामले च मोहाली की सीबीआई विशेष अदालत ने साबका थानेदार शमशेर सिंह जगतार सिंह धारा 302 120 218 च दोषी करार दे दिता है दोवां दोषियों को पुलिस कस्टडी भेज दिता है इस मामले के दो दोषियों की सुनवाई दौरान मौत हो चुकी है उत्थे ही हुण इस मामले 2 नवंबर को अदालत सज़ा सुनावेगी दस दिए कि पुलिस वालों इस मामले को लैके अदालत में सुनाई गई कहानी झूठी ये उबो के पिंड जरा पट्टी के पा तरन तारण जी उतों का एक हरबंस सिंह का ना का शख्स जोड़ा पहलों ही एक आर्म्स के मामले के जेल के उस टाइम के जो एस एच ओ पूर्ण सिंह थाना सदर तरन तारण का सीनू विद पुलिस पार्टी प्रोडक्शन वर्ल्ड लैके आया से कहानी बना दी भी इन्हें दसिया सानू भी मैं जिहड़े हथियार ने लकाश पा के रखे ने ते मैं रिकवर करवा सकदा जदों इहनू रिकवरी वास्ते लैके जा रहे सी ते रस्ते दे विच इहदे साथियां ने इहनू छड्डाउण लई पुलिस पार्टी दे उत्ते फायरिंग कर दित्ती ते दराने फायरिंग हरबंस सिंह ते इक जिहड़ा होर अणपछाता खड़कू आ उह मारिया गया ये जिहड़ी फेक कहानी बना के हरबंस सिंह ते इक होर बंदे नू जिहड़ा कतल कर दित्ता गया ते कागजी पत्री इहनू इक मुकाबला बना के दस दिता गया ये जसवंत सिंह खालड़ा की पटीशन तो बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने यह जिहड़े केसां लई सी बी आई नूं इहदी इनकुआरी दित्ती सी बी आई ने इहदे च इनवैसटीगेट करके ते एफ आई आर दर्ज की 2004 दे विच चार बंदियां दे खिलाफ जिहड़ा चलान सी बी आई कोर्ट दे विच पेश कीता जिहड़ी ट्रायल दौरान आ जिहड़ा एस एच ओ पूर सिंह ते जगीर सिंह दी डैथ हो गई ते दो बंदे शमशेर सिंह ते जगतार सिंह नूं अज दोषी करार दिता गया जिहदी सज़ा आने वाली 2 तरीक नूं मानयोग कोर्ट ने सुनाई ये रिटायर हो गए हुण दोनों जिहड़े शमशेर हाँ जी इस टाइम रिटायर ते कितना लगता भी लंबा समा लग्या की रीजन मानते हो तुसीं ते की करदा सी हरबंस सिंह देखो ये जिहड़ा हरबंस सिंह ते खेतीबाड़ी दा काम करदा सी पर जिहड़ा ये लम्मा समा लग्या 16 साल ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे विच जिहड़ा स्टे रहा वा वक् वक् ये जिहड़े पुलिस मुलाजम ही वक् वक् पलियां लै के उत्थों स्टे करवाउंदे रहे साढ़े मुल्क का जिहड़ा सिस्टम आ उहदे विच इन्ना समा लगना इंसाफ लैना लैण लई इन्ना समा लगना मामूली गल आ तुसीं पिछले दिनां च वी वेख्या होणा जिहड़े 30-30 साल पुराने केस ने उहनां दे विच जिहड़े फैसले आ रहे ने सी बी आई कोर्ट दे विच जिहड़े दोषी पुलिस मुलाजम ही उहनां नूं सज़ा हो रही आ क्योंकि 16 साल केस स्टे रहिण दा करके इन्ना लम्मा समा आ कैनेडा च पंजाबियों तो वड्डी मात्रा च नशीले पदार्थ फड़े गए हन इह नशीले पदार्थ कैनेडा दी पील रीजनल पुलिस ने फड़े हैं पील खेतरी पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि 5 व्यक्तियों नशीले पदार्थों समेत गिरफ्तार किया गया फड़े गए आरोपियों विचों 3 पंजाबी हैं जिन्हों को 2.5 मिलियन डॉलर मुल दी नशीलियां दवाइया बरामद की गई हैं वो काफ़ी समय तो नशे के कारोबार में लिप्त सन पुलिस को सूचना मिली सी कि नशे की वड्डी खेप सप्लाई होने वाली है जिस तों बाद पुलिस ने छापा मार के 5 व्यक्तियों नशीले पदार्थों समेत गिरफ्तार किया गुरदासपुर के पिंड चग्गूवाल विच जमीनी विवाद नूं लैके 2 धिरां विच खूनी झड़प हो गई है दोवें धिरां दे लोक शरीके विच इक ही परिवार दे हन ते इन्हां परिवारां दी महज 2 कनाल जमीन नूं लैके सालां तों झगड़ा चल रहा है जिस दे चलदे खूनी झड़प हुई जिस विच 2 लोक बुरी तरह जख्मी हो गए उधर इस मामले की जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिस 2 धिरां दे लोक आपस विच इक दूसरे ते हमला करदे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल पुलिस वालों इस मामले की जांच की जा रही है
संसद मैंबर राघव चड्ढा ने विदेश मंत्री जयशंकर नूं पत्र लिख के आबूधाबी विच फसे पंजाबियों की वापसी की मांग की। उन्होंने दस्सिया कि मैं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर नूं पत्र लिख के यूएई के आबूधाबी विच फसे पंजाब के प्रवासी मजदूरों के एक समूह की वापसी विच तुरंत दखल देने की बेनती की है। असी अपने लोगों की सुरक्षा और तंदुरुस्ती यकीनी बनाने वचनबद्ध। राम तीर्थ रोड से तेज़ रफ्तार वाहन का वड्डा हादसा वापर गया जिस विच चार लोग सवार सन जिन्हां विचों एक की मौत हो गई, तीन लोग गंभीर जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दस्सिया कि कार की छत कट के जख्मियों नूं बाहर कढ़िया गया। चारे व्यक्ति नशे च धुत सन अते मोबाइल ते वीडियो क्लिप बना रहे सन जिस कारण यह हादसा वापर। अमृतसर दे विच तड़कसार एक भयानक हादसा वापर गया। राम तीर्थ रोड ते एक तेज़ रफ्तार गड्डी दी ट्रक दे नाल टक्कर हो गई जिस दे विच सवार चार लोकां दे विचों एक व्यक्ति दी मौत हो गई है। यह हादसा इन्ना भयानक सी कि गड्डी ट्रक दे विच ही धस गई ते गड्डी दी छत नूं कट के इन्हां नौजवानां नूं बाहर कढ़िया गया जिन्हां दे विचों एक दी मौके ते मौत हो गई ते तीन गंभीर रूप दे विच जख्मी दसे जा रहे ने जिन्हां नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवा दिता गया है। उत्थे दसे जा रहा है कि यह नौजवान नशे दे नाल रचे हुए सन ते मोबाइल ते वीडियो क्लिप्स भी बना रहे सी जिस कारण यह हादसा वापरिया। फिलहाल पुलिस मौके ते पहुंची अते सारे जख्मियों नूं हस्पताल च दाखिल करवाया गया। उत्थे पुलिस वालों सारे मामले की जांच भी की जा रही है। चार के करीब एक्सीडेंट होया जी ते अही मौके ते आ गए हां ते ये बंदे जिहड़े विच फसे दो तीन बंदे जिहड़े विचों कढ़े आ ते एक बंदे की मौत के डैथ हो गई आ ते बाकी कार्रवाई जी चल रही थाने कर रहे हैं। चार बंदे उन्होंने जजमेंट अस्पताल तो पता लगेगा भी कि नशा किया किया। जख्मी अमनदीप दाखिल है जी, तीन बंदे एक दी मौके पर डैथ हो गई। निका सिंह कलोनी जी दस दे जी। ये जी राम तीर्थ रोड आ, हरिराम बगीची का एरिया वा। रात इतने एक्सीडेंट होया करीब चार बजे आस पास दस रहे ने आस पास के लोग और जड़ा पूरी तरह गड्डी डैमेज हो गई है। चार ये व्यक्ति से जोड़े कि साड़ी वार्ड नंबर दो दे ही सारे ने और जिद एक लड़के की डैथ हो गई है, तीन जड़े वो जख्मी ने गंभीर तौर पर और तिने जड़े अमनदीप अस्पताल दाखिल ने। हाँ बिल्कुल है, देखो जी आ वार्ड नंबर दो है नाल लगती तो यह बाहर रोड से एक्सीडेंट होया। सारे जिन्हें भी चारे मुंडे ने वार्ड नंबर दो दे वासी ने और हाँ इलाके दे ने जी मेरे, मैं गुरु नानक वाड़े हाँ तो इतने साढ़े आ मुंडे कुछ सेवा नगर का है, एक एक निका सिंह कलोनी का एक है, ज़्यादातर सेवा नगर इलाके दे ने मुंडे। यूबीडीसी डिफेंस ड्रेन ते काम कर रहे मजदूरों ते मिट्टी दी ढिग डिगण नाल चार मजदूर जख्मी हो गए जबकि एक मजदूर दी मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार यूबीडीसी डिफेंस ड्रेन कलसिया खुर्द च ग्रिफ महकमे वालों करवाए जा रहे विकास कार्यों दौरान मिट्टी दी ढिग डिगण नाल पांच मजदूर मिट्टी हेठां आ गए। चार मजदूरों नूं मिट्टी विचों बाहर कढ लिया जिन्हां नूं भिखीवंड दे प्राइवेट हस्पताल विच दाखल करवाया गया। दस दिए कि एक मजदूर चानण सिंह पुत्र बलकार सिंह वासी डल नूं काफ़ी मशक्कत तो बाद बाहर कढ़िया गया। उक्त मजदूर नूं जदों खालड़ा दे हस्पताल विखे ले जाया गया तो डॉक्टरां ने उस नूं मृत करार दिता। इस संबंधी जानकारी दिंदे हुए दस्सिया कि रोजाना की तरह यूबीडीसी ड्रेन विच काम चल रहा सी, इस दौरान 22 दे करीब मजदूर काम कर रहे सन। अचानक मिट्टी डिग जाण नाल पंज मजदूर मिट्टी दे हेठां दब गए जिन्हां नूं मुश्किल नाल मिट्टी चों बाहर कढ़िया गया। मजदूर चानण सिंह दी ज़्यादा देर तक दबे रहण कारण मौत। मंदभागी खबर सामने आई है तरन तारण तो जिथे डीफेस ड्रेन दे विच काम कर रहे मजदूरों के उपर मिट्टी डिग गई जिदे चलते चार मजदूर जख्मी हो गए जबकि एक दी मौत हो गई है। जख्मियों नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। दस्या जा रहा है कि इत्थे काफी दिनों तो इत्थे जो काम चलता पिया सी इस दौरान अचानक मिट्टी डिग गई हेठां ते मिट्टी दे विच मजदूर दब गए। करीब 22 मजदूर इत्थे काम कर रहे सन, मिट्टी डिगण दे चलते पंज मजदूर मिट्टी दे हेठां आ गए जिन्हां नूं इस तरीके नाल काफी मुशक्कत दे बाद बाहर कढ़िया गया। काफी ज्यादा जो लोग सीगे प्रशासन
ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਦੱਬੇ ਗਏ, 4 ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਇਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੱਸ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ 4, ਅਤੇ ਇਹਦੀ 5ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 1993 'ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।